नमस्कार, आज मैं आपके सामने ट्रिपल चेस के वाटर जंप जो कि बाहर की तरफ मार्क किया जाता है उसको लेके आया हूँ। आइए चलिए देखते हैं कि स्टीपल चेस में जब वाटर जंप बाहर की तरफ प्लेस होता है तो इसकी मार्किंग कैसे की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3000 मीटर स्टीपल चेस जो कि एक स्टीपल चेस का इवेंट है जिसमें 28 हर्डल्स और 7 वाटर जंप होते हैं, और इसी प्रकार 2000 मीटर स्टीपल चेस में 18 हर्डल्स और 5 वाटर जंप होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये दो इवेंट कराने हो और वाटर जंप बाहर की तरफ प्लेस करना हो तो इसकी मार्किंग कैसे की जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया है एक साइड का ट्रैक जिसमें हमें वाटर जंप बाहर की तरफ प्लेस करना है, इसकी मार्किंग के लिए हमने दो पॉइंट लिए हैं, ए और बी। ये जो दो पॉइंट है ए और बी, ये आपके स्ट्रेट का एक एज है। स्ट्रेट के दो एंड होते हैं, एक एंड दूसरी साइड होता है, एक एंड इस साइड होता है। तो इस साइड के जो एंड है उसकी ये पॉइंट है ए और बी। देखिए, यहाँ पर हमने दो पॉइंट और बनाए हैं सी और डी। तो हमें क्या करना है कि जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है इसको हम एक्सटेंड करेंगे और 9.86 मीटर का एक्सटेंशन करेंगे दोनों साइड में और स्ट्रेट को बढ़ा देंगे, और फिर सी और डी पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे, और फिर सेंटर पॉइंट से, इस लाइन के सेंटर पॉइंट से हम 36.50 मीटर का रेडियस लेके एक कर्व मार्क करेंगे। और ये कर्व आप देख सकते हैं, ये कर्व एक जगह जाके हमारे जो 8वें लेन का आउटर एज है उसको टच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि ये लेन हमारे यहाँ पर 8 है, इस ट्रैक में 8 लेन का ये ट्रैक है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो एक्सटेंशन किया है वो 9.86 मीटर का किया है। अगर ये ट्रैक 9 लेन का होता तो एक्सटेंशन इससे ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पर ये 1.22 मीटर फिर इसमें ऐड हो जाता। ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट को से हम कर्व को सेंटर पॉइंट पे जाएंगे और वहां से 2 मीटर का एक्सटेंशन करके हम वाटर जंप के लिए हर्डल की मार्किंग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने वाटर जंप की मार्किंग की है, और आप जानते हैं कि वाटर जंप की जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो 3.66 मीटर होती है। चलिए, अब जब ये मार्किंग हमारी हो गई है तो इसके बाद हमें ये समझना है कि इस मार्किंग के बाद ट्रैक की लंबाई बढ़ जाएगी तो वो कितनी बढ़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं, अगर नॉर्मल ट्रैक के हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मल ट्रैक का मेजरमेंट 400 मीटर से होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने दोनों साइड में स्ट्रेट जो है वो 9.86 मीटर एक्सटेंड कर दिया है तो इसलिए इस ट्रैक की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 9.86 मीटर का एक्सटेंशन किया है दोनों साइड में, और यहाँ पर जो आपका रनिंग रेडियस होगा वो 36.70 मीटर का होगा, क्योंकि ये जो बॉर्डर है, ये जो नया बॉर्डर हमने बनाया है, ये बॉर्डर रेज्ड नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे जो रनिंग रेडियस होगा वो 36.70 मीटर का होगा। और जब हम इसमें पाई से इसको इंटू करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो 135.0165 मीटर आएगा। तो ये जो 135.0165 मीटर है ये इस साइड के कर्व का डिस्टेंस है, जो टोटल कर्व का मेजरमेंट है वो 135.016 मीटर 65 मीटर का है। इसी प्रकार जो हम दूसरे साइड को देखते हैं, क्योंकि वहां पर बॉर्डर रेज्ड है इसीलिए वहां का जो रनिंग रेडियस होगा वो 36.80 मीटर होगा। तो इसको जब हम पाई से इंटू करेंगे तो उस साइड के कर्व का जो डिस्टेंस आएगा वो 115.6106 मीटर आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ट्रैक पे दो स्ट्रेट भी होते हैं, तो इसमें दो स्ट्रेट भी जोड़े जाएंगे, और आपको पता है कि जो स्ट्रेट होता है हमारा वो 84.39 मीटर का होता है, तो जब आप इसको इंटू टू करेंगे तो ये 168.78 मीटर का हो जाएगा। सब ये सारा डिस्टेंस आप ऐड करेंगे, दोनों कर्व प्लस स्ट्रेट को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आपका बनता है 419.4071 मीटर। तो इससे ये पता चलता है कि अब इस ट्रैक की जो लंबाई है वो 419.4071
4071 मीटर हो गई है। आइए अब इसको आगे और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जब कोई एथलीट अगर आप फिनिश लाइन से रेस स्टार्ट करते हैं तो वो रेस आप दौड़ते जाते हैं, और देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक एथलीट दौड़ता हुआ चला जा रहा है और दौड़ते हुए वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। और यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर वो नॉर्मल ट्रैक में जाने की जगह वो जो हमने नया ट्रैक मार्क किया है स्टीपल चेस के लिए, वो उस ट्रैक पे दौड़ता है, और उस ट्रैक पे दौड़ता हुआ वो वाटर जंप के ऊपर से होता हुआ वापस जब वो एक राउंड लगा के फिनिश लाइन पे पहुंचता है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस बनता है 419.4071 मीटर का। तो इस प्रकार एथलीट को, क्योंकि आपको पता है कि उसको हर राउंड में वाटर जंप के ऊपर से जाना है, तो इसलिए उसे इस नए वाले ट्रैक पे ही दौड़ना होगा, तो वो टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो 419.4071 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड दौड़ने के बाद। आइए अब हम लोग समझते हैं कि 3000 मीटर स्टीपल चेस में हम लोग स्टार्ट लाइन कैसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक एथलीट को अगर आप नॉर्मल 400 मीटर ट्रैक में आपको 3000 मीटर लगाने हैं तो आपको 7.5 चक्कर लगाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक की लंबाई है वो बढ़ चुकी है, वो 419.4070 मीटर हो गई है। तो यहाँ पर एथलीट अगर 7 राउंड लगाता है इस ट्रैक पे, तो वो टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो है 2935.8490 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3000 मीटर से 64.1510 मीटर कम लगाता है। तो 7 राउंड के बाद उसे ये 64.1510 मीटर एक्स्ट्रा लगाने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फिनिश लाइन से हम लोग मार्क करते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ मार्क कर रहे हैं पीछे की तरफ, फिनिश लाइन से रनिंग डायरेक्शन के अपोजिट की तरफ हम लोग मार्किंग करते हैं 64.1510 मीटर, और यहाँ पर हम लोग कर्व स्टार्ट मार्क कर देते हैं, जिसमें एथलीट यहाँ से स्टार्ट करता है, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद एथलीट को फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद 7 चक्कर और लगाने होते हैं। 2000 मीटर के स्टार्ट लाइन को मार्क करने के लिए हम लोगों को एक प्रोसीजर अपनाना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2000 मीटर के रेस में एथलीट को 5 राउंड लगाने होते हैं, तो 5 राउंड लगाने के अगर इस लंबाई में, जिस क्योंकि हमें पता है कि ट्रैक की लंबाई बढ़ चुकी है, और एथलीट अगर इस ट्रैक पे 5 राउंड लगाता है तो वो 97.035 मीटर एक्स्ट्रा कवर करता है। तो इसलिए हम लोग जो इसका स्टार्ट लाइन है वो 97.035 मीटर आगे की तरफ मार्क करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पाएंगे कि हमने फिनिश लाइन से मार्किंग की है, फिनिश लाइन से मेजरमेंट कर रहा है, और फिनिश लाइन से मेजरमेंट करने के बाद जहां पर हमें 97.035 मीटर का डिस्टेंस मिला है वहां पे हम कर्व मार्क करते हैं, और इस कर्व से ही ये रेस स्टार्ट होती है। और क्योंकि ये रेस 5 राउंड की है और ऑलरेडी 97.035 मीटर आगे से एथलीट ने स्टार्ट किया है, तो इस कारण से उसको जो पहला हर्डल मिलता है वो उसका तीसरा हर्डल होता है। इस जैसा हमें पता है कि एक स्टीपल चेस के एक राउंड में एथलीट को टोटल पांच बाधाएं पार करनी होती हैं, जिसमें से 4 हर्डल्स होते हैं, नॉर्मल हर्डल्स होते हैं, और एक वाटर जंप होता है। क्योंकि यहाँ पर जो राउंड है वो 97.035 मीटर से स्टार्ट हुआ है, तो एथलीट जो पहला हर्डल पार करेगा वो इस राउंड का, नॉर्मल राउंड का तीसरा हर्डल होता है, और यहाँ के बाद जब वो ये राउंड कंप्लीट करके फिनिश लाइन की तरफ पहुंचता है, उसके बाद से उसको हर राउंड में 5 हर्डल पार करने होते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हर्डल्स की स्पेसिंग कैसे की जाती है, हर्डल्स की मार्किंग जो है वो कैसे की जाती है। देखिए पहला हर्डल जो है वो फिनिश लाइन से 17.866 मीटर आगे की तरफ मार्क होता है। यहाँ पर आप देखिए हमने मार्किंग की है, मार्किंग फिनिश लाइन से इनिशिएट की है, और फिनिश लाइन से हमने 17.866 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के बाद पहला हर्डल लगा दिया। इसी प्रकार जब हम दूसरे हर्डल की मार्किंग शुरू करते हैं उसको भी हम
फिनिश लाइन से ही मेजरमेंट करेंगे और फिनिश लाइन से 101.747 मीटर आगे की तरफ जाएंगे और दूसरे हर्डल की मार्किंग कर देंगे। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर मेजरमेंट इनिशिएट किया है और हमने मेजरमेंट करने के बाद 101.747 मीटर का मेजरमेंट किया फिनिश लाइन से और यहाँ पर दूसरा हर्डल प्लेस किया। इसी प्रकार जब तीसरा हर्डल प्लेस करते हैं वो फिनिश लाइन से 185.628 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हमने मेजरमेंट किया और 185.628 मीटर पे तीसरा हर्डल प्लेस कर दिया। अब यहाँ से फिर जो चौथा हर्डल है, जो कि हमारा वाटर जंप होगा, वो फिनिश लाइन से 269.509 मीटर की दूरी पे प्लेस होता है। तो यहाँ से मेजरमेंट करके आप देख सकते हैं कि ये मेजरमेंट हुआ है और ये प्लेस हुआ है 269.509 मीटर पे। अब यहाँ से वाटर जंप के बाद जो पांचवा हर्डल हमारा आता है वो 353.390 मीटर पे होगा। आप यहाँ पर ध्यान दें, सारी मार्किंग फिनिश लाइन से ही मार्क की गई है, तो फिनिश लाइन से इसको मार्क रनिंग डायरेक्शन में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये 353.390 मीटर की दूरी में मार्क किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हमने पांचवा हर्डल मार्क कर लिया है। इस प्रकार से ये दूरियाँ को आप मेजरमेंट करते हैं फिनिश लाइन से और इसको मार्किंग कर दी जाती है। उम्मीद है कि आपको ये मार्किंग समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार के अगर आपको क्वेरी होती है तो आप मुझे मेरे चैट बॉक्स पे वो मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।